प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम बताने वाले हैं मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट कब तक में जारी हो जाएगा, क्या मैट्रिक और इंटर का जो बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी है, क्या कॉपी चेकिंग का ये एग्जामिनेशन बच्चों जो है ये शुरू हो चुका है। कई स्टूडेंट का हमसे ये सवाल है, सर हम लोगों का मैट्रिक का रिजल्ट और इंटर का रिजल्ट कब तक में जारी हो जाएगा। तो बच्चों आपको बताते चलें, जो 2022 में आपके इंटर का रिजल्ट आया वो 16 मार्च को आया, और जो बच्चों 2023 में इंटर का रिजल्ट आया वो 21 मार्च में आया। अब सवाल ये है कि 2024 में इंटर का रिजल्ट कब तक में आ जाएगा। तो बच्चों 2024 में जो आपके इंटर का रिजल्ट आने वाला है वो 25 मार्च तक में जारी हो जाएगा। और वहीं अगर बच्चों मैट्रिक के रिजल्ट के बारे में बात करें, 2022 में आपका जो मैट्रिक का रिजल्ट आया वो 31 मार्च को आया। वहीं अगर बच्चों मैट्रिक का रिजल्ट 2023 में बात करें, 2023 में भी 31 मार्च को आया। अब बच्चों ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2024 का भी 31 से लेकर 1-2 मार्च के आसपास तक में आपका मैट्रिक का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। अब जहां तक बच्चों कॉपी चेकिंग की बात है, तो जो आपकी OMR सीट है ये आप जानते हैं आपके कोलकाता में जांच करने के लिए भेज दी गई है, अर्थात OMR सीट कोलकाता में जांच की जाती है। और दूसरी बात यह है बच्चों, क्या मैट्रिक और इंटर के कॉपियों का मूल्यांकन शुरू हो गया है। कई बच्चों का ऐसा मानना है कि सर आपको बता दें, जो आपका मैट्रिक का कॉपी जांचने का प्रोग्राम है बच्चों वो 1 मार्च से शुरू कर दिया जाएगा। और बच्चों जहां तक आपके इंटर के कॉपी चेकिंग का सवाल है, वो ऐसा कहा जा रहा है वो 24 मार्च से शुरू हो गया है। तो बहुत जल्द बच्चों आपका रिजल्ट, वो चाहे मैट्रिक हो चाहे इंटर का रिजल्ट हो, वो बहुत जल्द जारी कर दिया जाएगा। और कई बच्चों का ये सवाल है, सर हम लोग का एग्ज़ाम सही नहीं हुआ है, क्या हम लोग पैसा रखने से क्या हम लोग का जो रिजल्ट है जो अंक है वो बढ़ सकते हैं। तो बच्चों आपको बता दें, जो कॉपी रखने का फार्मूला था ये पहले तो काम कर जाता था, लेकिन अब बच्चों कॉपी में पैसा रखने का फार्मूला अब नहीं काम कर पाया है, क्योंकि CCTV कैमरे जो हैं ये अब नहीं काम कर पा रहे हैं, इसलिए